झारखंड में गांव के विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। चतरा के लुमरा गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। लुहरा गांव के बच्चों का बारिश के दिनों में स्कूल जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे सिर पर बैग रख और हाथों में जूता पकड़कर कमर तक भरे पानी को पार कर किसी तरह जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। हालात ये हैं कि पानी ज्यादा बढ़ जाने पर बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। बच्चों का कहना है कि गांव में स्कूल नहीं होने के कारण हम इस तरह स्कूल जाने को मजबूर हैं। लोहरा है, लोहरा में भी स्कूल है तो 1 से 8 तक है, तो 8 में पढ़ाई करने के बाद 9 क्लास में लिखाते हैं सातु स्कूल में। तो यहाँ पर नदी है बीच में, तो आते हैं तो बाढ़ आता था, हम लोग थोड़ा नीचे रहता डंडा से नीचे तो कसू तरह चल जाते हैं किसी भी तरह, और अगर ऊपर रहता था हम लोग वापस चल जाते हैं, इसलिए हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। हाँ, अगर बहुत भारी बारिश होता है तो हम लोग स्कूल कभी नहीं जाते हैं। लोहरा से है सातवा स्कूल जाते हैं, ज़्यादा बाढ़ आता है तो डबल ड्रेस लगाते हैं, भींग जाते हैं तो इधर बदल के और फिर स्कूल जाते हैं, फिर वैसे ही करके आते हैं, ठीक रहता है। लेकिन बरसात के दिन में अगर ज़्यादा बाढ़ आता है तो नहीं स्कूल जाते हैं, और थोड़ा कम रहता है तो चल जाते हैं भींगते भींगते। गहरे पानी को पार कर स्कूल जाना किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन बच्चों में शिक्षा का जुनून ऐसा है कि इस आफत को पार कर दर्जनों बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि बच्चों के अभिभावकों को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वही ग्रामीण और स्कूल के शिक्षक सरकार से पुल निर्माण कराने की गुहार लगा रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके। जी, जब सुबह का टाइम होता है जब स्कूल खुला तो अचानक मैं देखा कि बच्चे का कपड़े भींगे भींगे हैं, तो मैं पूछा कि क्या बात है, कल भींगा कर आए कपड़ा, कहाँ खेल रहे थे? रहने से नदी में बाढ़ थी, मैं जाके देखा वास्तव में वहाँ बाढ़ थी। मुझे लगा कि इतने बच्चे लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पे आ रहे हैं, लोहरा गाँव के बच्चे जो केरेडारी प्रखंड में पड़ता है, और विडम्बना है, थोड़ी दिक्कत है कि जो गाँव है वो बिल्कुल केरेडारी प्रखंड से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र दासी पहाड़ के तराई पे बसा हुआ है, और क्या बोलेंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं स्वास्थ्य सुविधा शिक्षा सुविधा से वंचित है, क्योंकि वहाँ पे 8 क्लास तक ही विद्यालय है, और 9वां 10वां के बाद जो उसके जो अपने प्रखंड अपने जिले का जो निकटतम जो स्कूल है हाई स्कूल वो पगार में है, जो लगभग यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, और ये जो हमारा विद्यालय है बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो वहाँ से 4 किलोमीटर में बच्चे यहाँ पे विद्यालय पहुँच जाते हैं। हम लोग हजारीबाग जिला के हैं, लेकिन हम लोग का चतरा जिला ही से काम, हम लोग का सब चीज़ काम लगता है तो सब चीज़ करते हैं चतरा जिला से। हजारीबाग भी जाते हैं तो इधर ही जाते हैं, बच्चा लोग स्कूल भी जाते तो इधर ही जाते हैं, बाजार भी लगता है तो हम लोग इधर ही जाते हैं। मैंने हैसातु और लोहरा, लोहरा हो गया हजारीबाग और हैसातु हो गया चतरा जिला, तो हम लोग का चतरा जिला से सब कुछ लाभ लेना लेते हैं, और हम लोग आना जाना करते हैं, सब चीज़ का दिक्कत होता है, बच्चा लोग को स्कूल भी जाने के लिए दिक्कत होता है। हमारा गाँव में लोहरा में भी स्कूल है हजारीबाग जिला को और केरारी प्रखंड में और मनातू पंचायत के, तो लोहरा में स्कूल है, बाकी लोहरा में स्कूल है तो 8वां तक स्कूल है, 8वां से हम लोग का 9वां 10वां करना पड़ता है, 7वें जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अब गरीब के बेटा बेटी भी बेहतर शिक्षा के हकदार होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे, लेकिन जो हाल ग्रामीण क्षेत्रों का है उसको देख कर ये उम्मीद करना बेमानी है। समाचार प्लस के लिए चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट।